कितने बच्चे ऐसे जो रोज ब्रश करते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपरली अपने नाखून को काटते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने यूनिफॉर्म को रोज धोते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने सॉक्स को रोज धोते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते? हाथ धोते हैं, हाथ धोते हैं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कल डॉक्टर के पास गया हो, कल कोई बच्चा ऐसा है जिसे कल डॉक्टर को विजिट की हो? कौन है? आइए जो भी आ जाइए। जो बच्चा कल डॉक्टर के पास गया हो वो ना आ जाए, तो अच्छी बात है। कौन? आइए आ जाओ आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? आपका नाम क्या बेटा? आप डॉक्टर पास क्यों गए? अब आपका काम कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या आप कान में? तो कान में नहीं करने का, नहीं करने का। ओके, तो इससे मालूम हुआ कि हम लोग जो कान में ऐसे उंगली बहुत करते हैं ये नहीं करने का। इससे क्या होता है? अपने कान को नुकसान पहुंचता है ना। तो ये अच्छी बात है कि पूरी शाला में एक ही बच्चा कल डॉक्टर के पास गया था। इसका मतलब यह है कि आप सब स्वस्थ हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर जाता है तो आपके प्रिंसिपल को जाता है, आपके टीचर्स को जाता है कि टीचर्स ने आपको स्वास्थ्य के बारे में एकदम जागरूक रखा है, एकदम आप जागरूक हैं स्वास्थ्य के बारे में। अगर आप लोग रोज नहाएंगे, रोज यूनिफॉर्म धोएंगे, बराबर अपने नाखून काटेंगे, बराबर हाथ धोएंगे, रोज पौधे को धोएंगे, तो क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारी को समाज को बनाने में, सुधारने में, जोड़ने में बैंक की भी एक अहम भूमिका होती है। चाहे बच्चों की शिक्षा का मामला हो या सुरक्षा का या उनके स्वास्थ्य का, बैंक का आगे बढ़कर आना बैंक की जिम्मेदारी और बैंक की फिक्र को दर्शाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से ही समाज सुधार के मामलों में आगे बढ़ता है। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक बैंक ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया और स्कूलों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस नुक्कड़ नाटक को मुंबई की एक ऐसे नाटक ग्रुप ने पेश किया जिनका नाम हिंदी और उर्दू साहित्य में नहायत ही अदब से लिया जाता है। इस ग्रुप ने मुंशी प्रेमचंद की 315 में से 313 कहानियों पर ड्रामों का मंचन किया है। जी हां, हमारी मुराद आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी से है, यानी आइडिया। और नाटक का नाम था बीमारी को बाय बाय। बच्चों की एक बड़ी तादाद ने इस ड्रामे को देखा। सबसे बड़ी खूबी यह थी
कि जब ड्रामा अपने अंजाम को पहुंचता तो सारे बच्चे ड्रामे का एक हिस्सा बन जाते और एक आवाज में कहते बीमारी को बाय बाय।